नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कविता क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, गुड़हल का प्लांट हम सभी के घरों में होता है और इसे लगाना भी बहुत ही आसानी से ये प्लांट लग जाते हैं। इसकी कटिंग मोटी से पतली सभी कटिंग इसकी ग्रो हो जाती है। और फ्रेंड्स, इसमें देखिए कितने अच्छे तरीके से इसमें रेड कलर के फ्लावरिंग होती है। तो देसी वाली वेराइटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन और देसी वाली वेराइटीज़ में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी आती है और बीमारियाँ भी हाइब्रिड के मुकाबले कम लगती है। हाइब्रिड वाले गुड़हल में बहुत ज़्यादा आपको बीमारियों का सामना करना पड़ता होगा अगर आपके पास हाइब्रिड गुड़हल का प्लांट है। तो उससे अच्छा है कि देसी वाले गुड़हल को लगाइए और कम केयर में बहुत अच्छी तरीके से इसमें डेली इसमें आपको फ्लावरिंग देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रेंड्स, गुड़हल में जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वो मिली बग की आती है, लीफ कर्ल की समस्या आती है, जो कि पौधों की ग्रोथ को रोक देता है। और अगर आपके प्लांट में एक बार मिली बग का अटैक हो गया और आपने ध्यान नहीं दिया तो वो पूरे प्लांट में भी फैल जाएगा और फिर उसको आप ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब भी आपको मिली बग दिखे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करें, और चूँकि शुरू में अगर आपको दिखे तो एक बार के स्प्रे करने से ही वो ख़त्म हो जाता है। और लेकिन अगर पूरे प्लांट में अगर आपने ध्यान नहीं दिया, पूरे प्लांट में भर गया है, तो आपको लीफ कर्ल की समस्या बहुत ज़्यादा होगी और फ्लावर जो भी निकल के आएंगे वो भी टेढ़े मेढ़े से निकल के आएंगे। तो इसके लिए पौधों के अनुसार आप उसको सबसे पहले उसका पॉट साइज़ दें। अगर पौधा आपका बड़ा है तो आप उसे कोशिश करें थोड़े बड़े पॉट में लगाएं, जिससे आपको कम केयर करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग भी आपको मिलेगी। तो जब ये वाला प्लांट जो है मेरा ये पॉट में था और पॉट में उतनी अच्छी ग्रोथ ये नहीं कर पा रहा था, तो मेरे पास बड़े साइज़ के प्लांटर नहीं थे फ़िलहाल, तो मैंने इसके चावल की बोरी में ही मैंने इसको फ़िलहाल लगाया हुआ, ताकि मुझे बाद में इसको चेंज करना पड़ेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको चेंज करने में। और ये प्लांट मेरा पूरी तरीके से मिली बग का अटैक हो गया था, पूरी प्लांट ही मेरा ख़राब हो गया था। तो इसमें मैंने हर 8-8 दिन पर मैंने इसमें नीम ऑयल का स्प्रे और सोप वाटर जो होता है उसका स्प्रे मैंने किया था। तो धीरे धीरे, एक तुरंत में कोई चीज़ नहीं होता है ठीक, तो धीरे धीरे टाइम तो लगता है ठीक होने में। तो ठीक होने के बाद अब देखिए ये प्लांट में नए नए पत्ते जो आ रहे हैं वो फ्रेश निकल के आ रहे हैं और फ्लावरिंग भी अब फ्रेश निकल के आ रहा है। तो पौधों को ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर कोई चीज़ बिगड़ जाता है तो उसे सही करने में थोड़ा समय लगता है। तो उसके बाद ये फ्लावर में प्लांट में देखिए कितनी ज़्यादा इसमें कलियाँ बन रही है और अच्छी तरीके से इसमें फ्लावरिंग भी डेली इसमें निकल के आते हैं। तो पौधों में अगर आपको ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो सबसे पहले पौधों की आप हार्ड प्रूनिंग करें। जैसे इसके लिए जो परफेक्ट टाइम होता है वो फरवरी मार्च का होता है, तो इस टाइम में आप पौधों की हार्ड प्रूनिंग कर दें। हार्ड प्रूनिंग करने से नए नए ब्रांच निकलेंगे, जिससे कि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी पौधा उतना ही घना बनेगा, और घना अगर बनेगा तो फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। तो पौधों में अगर ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए सबसे पहला टिप्स तो ये है कि पौधों को आप घना बनाइए। दूसरा ये है कि इसमें टाइम से हम फर्टिलाइज़र ऐड करें। ज़मीन में अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान तो नहीं रखना पड़ता है, लेकिन हम चूँकि टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं, पॉट में गार्डनिंग करते हैं, तो इसमें फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें आप हर महीने आप कोई भी कंपोस्ट आप इसमें डाल दें। और लिक्विड फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो जो आपके घर से जो किचन वेस्ट निकलता है उसे आप पानी में भिगो करके उसका पानी को और सादे पानी में मिला के आप उसको डालें, तो इससे पौधे आपका बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और कोई ज़्यादा पौधों में जो केमिकल अगर हम यूज करते हैं तो फिर मिट्टी हमारा ख़राब हो जाता है। तो आप नेचुरल चीज़ यूज करें, ऑर्गेनिक चीज़ यूज करें पौधों के ऊपर, तो आपका पौधों का मिट्टी भी अच्छा रहेगा। और चूंकि मिट्टी में ही पौधे उगते हैं, तो जब मिट्टी अच्छा होगा तो पौधे भी हमारा स्वस्थ और घना बनेगा और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा करेगा। तो ये थी बेसिक नॉलेज, बेसिक टिप्स जो हम जो घर में गार्डनिंग करते हैं, तो ये बेसिक सा टिप्स है जो कि देसी प्लांट पर ज़रूर आप अप्लाई करें। और देखिए इसी तरीके से लीफ कर्ल की समस्या आती है, अगर आपको पौधे में एक दो दिखे तो उसे आप हटा दें, और अगर पूरे प्लांट में फैल जाएगा तो फिर आपको ठीक करने में टाइम तो लगेगा ही। तो फ्रेंड्स, आज ये छोटा सा वीडियो था, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी और पौधे पे बात करेंगे और नई जानकारी के साथ। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। और साथ ही साथ आप जितने भी फूलों वाले पौधे हैं, कोशिश करें कि आप देसी वाली वेराइटीज़ लगाएं जिसमें कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है।